भारत में प्राचीन समय में राजतंत्र था, न कि लोकतंत्र। राजतंत्र में अपने राज्य की सीमा तथा स्वाभिमान के लिए अक्सर हमने युद्धों के बारे में सुना ही होगा। आज हम आपको ऐसे युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास का एकमात्र युद्ध कहा जा सकता है, जो फल के लिए युद्ध हुआ। दरअसल राजस्थान के बीकानेर रियासत तथा नागौर रियासत के मध्य फल यानी मतिरे की राड़ तरबूज के लिए युद्ध हुआ। दरअसल हुआ यूं कि तरबूज की जो बेल है वो बीकानेर रियासत के शीलवा गांव में लगी थी, जबकि तरबूज का फल नागौर रियासत के जाखणिया गांव में लगी। इसके चलते फल पर अधिकार के लिए दोनों राजाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 85 से अधिक सैनिकों की मौत हुई। इस युद्ध को इतिहास में मतिरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। वहीं इस युद्ध में जीत बीकानेर के राजा करण सिंह की हुई। ये युद्ध अमर सिंह राठौड़ व करण सिंह इस युद्ध को रोकने के लिए शाहजहां ने भरपूर कोशिश की, जिसके बाद अमर सिंह राठौड़ व शाहजहां के दोनों रिश्ते खराब होते गए। जो राड़ है ये बीकानेर के राज परिवार और नागौर के राज परिवार अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के बीच में हुई थी, और इस राड़ में बीकानेर की तरफ से 4,000 सैनिक थे और नागौर के राव अमर सिंह राठौड़ की तरफ से 3,000 सैनिक थे। बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में बीकानेर की सेना विजय रही। मतिरे की राड़ एक बीकानेर की सीमा में बेल उगी और उसने फल नागौर की सीमा में दिया और दोनों पक्ष उस पे अड़े और इसी कारण से ये युद्ध हुआ। बताओ ये बीकानेर के जाखाणिया बीकानेर के सीलवा गांव और नागौर के ये जाखाणिया गांव की कांकड़ पर ये बेल उगी और ये युद्ध इसलिए हुआ, और इस पे साझा भी नाराज हुआ कि ये मसला बैठ के सुलझाना था। जगदीश प्रसाद सोनी।